डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन, डाइजर ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन, DGECs, DGEC. दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू प्रोड्यूस हायर होमोलॉग, वी कैन से हायर होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, हायर होमोलॉग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन जनरल. सो इफ यू वॉन्ट टू वन कार्बन, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज वन कार्बन एटम इन एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल और कीटोनिक मॉलिक्यूल, वी कैन मेक यूज ऑफ डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन. नाउ इन जनरल इफ आई टेक एल्डिहाइड एंड कैरी आउट द रिएक्शन इन विथ अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस लाइक टर्शरी ब्यूटोक्साइड, वीक बेस लाइक टर्शरी ब्यूटोक्साइड, देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस हायर होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड. हियर वी आर यूजिंग वीक बेस, इफ आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस देन इट विल फॉलो अ डिफरेंट मेकेनिज्म. सपोज अल्फा हेलो एस्टर कैन बी रिटन एज CH2Cl COOET. इफ सपोज इफ आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस देन Cl माइनस विल गेट रिप्लेस, सो इट विल फॉलो अ डिफरेंट पाथवे. सो वी आर यूजिंग ए वीक बेस लाइक, वीक एंड बल्कि बेस लाइक टर्शरी ब्यूटोक्साइड. नाउ लेट अस टेक वन एग्जाम्पल एंड डिस्कस द मेकेनिज्म. सपोज आई एम टेकिंग बेंजाल डिहाइड एंड आई एम रिएक्टिंग विथ अल्फा हेलो एस्टर CH2Cl C डबल बॉन्ड OET इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटोक्साइड एज ए बेस, देन आई विल गेट वन एल्डिहाइड विथ इंक्रीज इन वन कार्बन एटम द ओरिजिनल और वी कैन से स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेकेनिज्म पार्ट. सो इन द फर्स्ट स्टेप अल्फा हेलो एस्टर विल रिएक्ट विथ ए बेस CH2Cl C डबल बॉन्ड OET. दिस इज अल्फा हेलो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड एज ए बेस, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड एज ए बेस. सो दिस बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, दैट इज ए कार्ब एनायन CH माइनस Cl एंड द रिजल्ट रिमेनिंग स्ट्रक्चर आई एम रिराइटिंग एज इट इज. नाउ दिस कार्बन एन विल मेक ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अवर बेंजाल डिहाइड, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. सो दिस कार सो दिस कार्बन एन विल मेक ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन टू द कार्बोनिल कार्बन एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एनायन. सो आई कैन रीराइट दिस स्ट्रक्चर एज, सपोज हियर देर इज स्टार्टिंग विथ बेंजीन रिंग, दिस बेंजीन रिंग इज अटैच टू कार्बन विच हैज ए ओ माइनस, देर इज वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस कार्बन इज अटैच टू CH विच हैज ए Cl एडजेसेंट टू इट एंड सी डबल बॉन्ड OET ग्रुप, सी डबल बॉन्ड OET ग्रुप. नाउ दिस ऑक्सीजन और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल मेक ए अटैक ऑन टू द एडजेसेंट कार्बन विद द एलिमिनेशन ऑफ अ क्लोराइड ग्रुप एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सो ओ माइनस विल मेक ए अटैक ऑन टू द एडजेसेंट कार्बन, क्लोरीन इज अ बेटर डिपार्टिंग ग्रुप सो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड दस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड रिंग और ऑक्सीजन रिंग. सो आई कैन रीराइट दिस स्ट्रक्चर एज, here there is a pH ring as it is attached to carbon one hydrogen atom, carbon one hydrogen atom and there is a formation of oxygen ring with ester group COOET. Now this ester group can be hydrolyzed in presence of water. So if I carry out the hydrolysis, this ester linkage will undergo cleavage and there will be addition of HN OH with the and the resulting structure will be formation of acid. So there will be formation of acidic functional group C oxygen ring as it is, and here there will be formation of acidic functional group. Now if I
If I carry out the reaction at a higher temperature, there will be elimination of CO2 molecule that we have already discussed in our earlier mechanism. So with the elimination of CO2, the resulting structure can be rewritten as shown below. So oxygen will have a negative charge. There is a formation of double bond between two carbon atom, and this part is eliminated. Now if this oxygen has a negative charge, then this oxygen can attract the hydrogen atom. So I can rewrite this structure as benzene ring, which is attached to carbon atom which has a double bond. Here I forgot to write the hydrogen atom. So I am rewriting here a hydrogen atom. This also has one hydrogen atom, and there is a presence of OH group. So this is a enol form. And enol form will undergo rearrangement to form a final ketone form, or we can say carbonyl form, by the ketoenol tautomerism. So this will revert back. Carbon will have a negative charge, and this carbon can attract hydrogen atom. So resulting structure is PHCH2 and C double bond OH. So we have taken the starting material, benzaldehyde, and there is an increase in one carbon atom in the product. So we can say this reaction is a homologation reaction of carbonyl compound. We can produce the carbonyl compound which has a one carbon atom higher than the original starting material.